गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ। बाकी इंदर मेहरवाल को यहाँ गिराने के लिए पूरे राजनीतिक आप लोग यहाँ पर आए हो और अपने को जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आज से आगे हम एक बार बैठ के पूरे परिवार से बात करते हैं। इनकी क्या दुख तकलीफ है वो मैंने देखा, किस तरह इनके इनके दादाजी के लाठी की लगी, पिताजी की लगी, चाचा घायल है और इनकी माता जी जो बॉडी को लेके निपट गई थी जबरन रात को 9 बजे अपने जो हिंदू रीति रिवाज है इसमें सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं करते, लेकिन पुलिस ने रात को जबरन 9 बजे लाठीचार्ज करके अंतिम संस्कार किया। इससे जो ट्रैक्टर में लेके गए इससे ज्यादा निंदनीय घटना हो नहीं सकती। मैं मांग करूंगा सरकार से पूरे मामले की सीबीआई जांच, जो कलेक्टर एस पी हटे यहाँ से और जो मुआवजा तमाम को इस इंदर के परिवार को मिले और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति राजस्थान और देश के किसी कोने के अंदर नहीं हो। सर्व समाज की निंदा करता, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरा परिवार और हमारे जो मेघवाल समाज के जितने भी संगठन है, और मैं धन्यवाद दूंगा उस दिन हमारे भीम सेना के नौजवानों ने भी जोरदार तरीके से मोर्चा खोला, नहीं तो घटना का पता भी नहीं लगता कि मौके पर पहुंचे। और कितनी विडंबना है कि अगर कोई व्यक्ति मिलने के लिए दिल्ली से कोई समाज का नेता आता है और उसको आप बार बार वापस ले जाते हैं, राजस्थान के अंदर हर व्यक्ति को मिलने का अधिकार है। अगर कांग्रेस के नेता आ सकते हैं तो दूसरे नेता भी मिलने के लिए आएंगे। ये आप ये देखो कि लोकतंत्र की जिस तरह के हत्या सुनाने के अंदर हुई इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपको ऊंचा नहीं रहा, संदेश आपको देने आया हूँ। अभी हमें इस परिवार को न्याय दिलाना है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं। अभी आपको उठ के खड़ा होना है और अपनी ताकत से जो भीमराव अम्बेडकर ने वोट का अधिकार प्रत्येक जाति को 52 के अंदर दिलाया उसका प्रयोग करते हुए इस व्यवस्था को उखाड़ के फेंकना है। इसके लिए आपके खुद के पास ताकत है, इस ताकत को पहचानो आप लोग। और ऐसा नहीं है सारी जातियों के जितने भी समझदार लोग वो इस घटना की निंदा कर रहे हैं। भाई एक बच्चे के इस तरह बच्ची के बच्चा पानी पीने के लिए जाता है, इस तरह बच्चे को मारपीट की जाती है, बच्चे की मौत हो जाती है, इससे बड़ी दर्दनाक कहानी कहीं नहीं हो सकती। या तो फिल्मों के अंदर देखते थे पहले, या आजादी से पहले अंग्रेजों के जो राजनीति स्थिर थी उनमें देखते थे, और आजादी के 75 साल 75 वर्ष नरेंद्र मोदी मना रहे और गहलोत ये कह रहे हैं कि मटकी थी नहीं और कहानी कुछ भी नहीं थी, ये कह दिया सरकार ने। भाई दोनों ही को आपने देख लिया, बीजेपी तो बोली नहीं, ये सब नहीं बोले भाजपा के नेता, सब कह रहे कुछ नहीं हुआ और कांग्रेस ने बोला तो जो बोला आपके सामने। हम कोई भीख नहीं मांग रहे, ये हमारा अधिकार मांग रहे हैं। उदयपुर में कांग्रेस को बुलाने कोई नहीं गया था, अपने आप जाके 2 नौकरी और पैसे दे के आए थे। घटना उदयपुर वाली भी आतंक की घटना थी और हम सब ने निंदा करी थी। सब चाहते कन्हैयालाल के परिवार को न्याय मिले, लेकिन इंदर के परिवार को भी न्याय मिले। ये दोहरा न्याय पद्धति हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान बंद होगा, मुख्यमंत्री को आना होगा और तमाम घोषणाएं और जो दोषी अधिकारी अफसर है उनको ऐसे हटाना होगा। हम आगे की रणनीतिक घोषणा अभी आधा घंटे बाद परिवार से मिल लेते हैं, इनकी पूरी बात हम सुन लेते हैं, उसके बाद हम आगे घोषणा करेंगे। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का अगला कदम राजस्थान के अंदर क्या होगा, अगला कदम जालौर के अंदर क्या होगा, मैं इतना ही विश्वास दिलाता हूँ। अब इंदर मेघवाल का परिवार अकेला नहीं है, पूरे देश के जवान इंदर मेघवाल के परिवार के साथ खड़े। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब पहली लाठी गोली चलेगी वो हम खाएंगे इसको, ये मैं आपको विश्वास दिलाना आपके बीच आया। गाड़ी कोई नहीं देगा, मत बोलो। दो नारे लगा रहा हूँ मैं, इंदर मेघवाल के न्याय दो, इंदर मेघवाल के परिवार को न्याय दो और इंदर मेघवाल हमारे इंदर मेघवाल के परिवार को न्याय दो, न्याय दो। इंदर मेघवाल के परिवार को न्याय दो, न्याय दो। मेरे बोलने की बात बोलो। इंदर मेघवाल के परिवार को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। इंदर मेघवाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। गहलोत सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मोदी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। 6% आपके साथ न्याय दे रहा है और जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम नहीं बैठेंगे।
प्रधान जी आ रहे एमएलए साहब नारायण जी का नारायण जी लो